बसमिल्लर हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं पुर्तगाल की पुर्तगाल का वीज़ा कैसे मिलता है उसकी फीस क्या है प्रोसेसिंग क्या है फ़ायदा क्या है क्यों लें वहां पर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा और उसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन हैं जो आपने किए हैं जो जो लोग बताते हैं आपको वो तमाम चीज़ें शामिल करने जा रहा हूँ वीडियो में स्टेप बाई स्टेप तमाम चीज़ों को देखिएगा गौर से नंबर वन सबसे पहले सर आप ये करते हैं कि हम पुर्तगाल जो है वो एक बैकवर्ड कंट्री लगती है ठीक है ना इतनी ज्यादा सैलरी नहीं देती मिनिमम सैलरी होती है सात सौ यूरो आठ सौ यूरो बट यहां पर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आपको सात सौ यूरो मिल रहे हैं तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि वहां पर आप इसका मतलब यह हुआ कि आप स्किल वर्कर नहीं है ठीक है क्योंकि स्किल वर्कर को ऐसे पैसे नहीं मिलते अगर कोई स्किल वर्कर है तो वो अच्छी अर्निंग कर रहा है नंबर वन लेकिन क्या हम यही बात करने आए हैं कि सैलरी ज्यादा कहां मिलेगी पुर्तगाल के अंदर या पुर्तगाल में क्या काम करना चाहिए इस चीज को तो आपने बात करनी है क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपने जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको देखना होता है अब लॉन्ग टर्म प्लान प्लान को अगर आप नहीं देखेंगे तो शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर सैलरी नजर आती है खाली सैलरी तो आपको मिलती रहेगी चाहे जितनी भी हो लेकिन हम किस प्रोसेस से गुजर के कहां जा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप पूरे यूरोप में घूमते हैं तो पुर्तगाल के अंदर उतना ज्यादा जो यानी कि एक बैकवर्ड की पोजीशन तो है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आपका गेटवे कहां से मिलेगा यानी कि वो कंट्री जो आपको रास्ता दे तो वो कंट्री आपके लिए अच्छी है ना आज आप पुर्तगाल कैसे जाएंगे क्यों जाएंगे क्या फायदा होगा तो स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए आपको एकदम से आज अगर जर्मनी नहीं, नहीं बुला रहा तो मैं जर्मनी की तारीफ क्यों करूं अगर एकदम से फ्रांस नहीं कर रहा या एकदम से स्विट्जरलैंड नहीं बुला रहा तो फिर हम उस पर काम क्या करें क्या बात करें तो इसलिए हमें करनी पड़ती है पुर्तगाल बात और हमने सबसे ज्यादा काम पुर्तगाल पर ही किया है वजह उसकी यह है कि वहां पर रिजल्ट है हमें रिजल्ट मिल रहा था वहां से और रिजल्ट कैसे मिलता है रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता कि आप कहेंगे जी बस ये मैं पासवर्ड भेज रहा हूं ठीक है ना आपके ऊपर गारंटी हो गई श्योरिटी हो गई आप लगा दे इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है ठीक है ना रियलिस्टिकली काम करना पड़ता है उसके बाद फिर आपके ही बात आपका ही फोन आएगा मैं लुट गया बर्बाद हो गया मेरे पैसे खा गया पैंतालीस हजार ले गया पचास हजार ले गया वो सब बातें होती हैं बेकार बातें तो यहां पर सबसे पहले तो आप अपनी पोजीशन जो है वो जो मेरी वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे तो आपका एक प्रोफाइल होनी चाहिए अब आप जॉब करते हैं तो प्रूफ करना पड़ेगा बस बिजनेस करते हो तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको एक विजिट वीजा जो है हासिल करना है पुर्तगाल का और उसको हासिल करने के लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए ये भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ और आपके जो जो आपका जो आपका रिकॉर्ड है जो आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर कोई दो तीन ट्रैवलिंग्स होनी चाहिए जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम तुर्की जा रहे हैं हमारे साथ ग्रुप में लोग जा रहे हैं ठीक है ना वो क्यों जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर तुर्की का ठप्पा लग जाए आजारबाजी का ठप्पा लग जाए थाईलैंड का ठप्पा लग जाए मलेशिया का ठप्पा लग जाए तो अगर तीन चार ट्रैवल वो कर लेते हैं हमारे साथ ही करते हैं हमारे ग्रुप में ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाए आप अपना भी कर सकते हैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे साथ करें आप करें मैं कह रहा हूँ आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी जब आपके पासपोर्ट के अब चीजें आ जाती हैं तो फिर दूसरे हिस्से के अंदर आप कह सकते हैं कि पुर्तगाल अब पुर्तगाल को अगर आप करते हैं तो फायदा तो आप बताऊंगा बहुत बड़ा फायदा है लेकिन ये आप सबसे पहले पूछेंगे फीस क्या है तो पुर्तगाल ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुर्तगाल की जो फीस है अगर आप कहेंगे अडल्ट अडल्ट कौन 12 साल से बढ़ा तो उसकी एक जो एप्लीकेशन है एक आदमी की फीस है डॉलर के अंदर छियानवे डॉलर यूरो में पूछोगे तो 80 यूरो कहेंगे हम डॉलर में बात कर लेते हैं छियानवे डॉलर एक आदमी की फीस है अगर कोई बच्चा 6 साल से 12 साल का है तो उसकी फीस है 48 डॉलर और अगर कोई बच्चा 6 साल से छोटा है तो वो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये बात दिमाग में आपके हो गई फीस हो गई क्लियर अब आप आगे चलिए उसमें आ गया कि अप्लाई कहां करना है कैसे करना है अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है बाको कैसे करनी है तो ये है वी एफ एस ग्लोबल की वेबसाइट जहां पे कहते हैं कि वेलकम टू वी एफ एस ग्लोबल वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी इन पाकिस्तान मसला हल हो गया अब अप्लाई फॉर वीजा स्टार्ट नाव में आ जाइएगा बुक एन अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा फाइंड अ सेंटर अपने लिए सेंटर का इंतख्या कर लीजिएगा प्रीमियम सर्विस छोड़ दीजिए जरूरत नहीं है हमको हम प्रीमियम हम लोग नहीं है ठीक है ना हम आम लोग हैं हम आम तरीके से वीजा अप्लाई कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है वीजा ठीक थी, डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए डॉक्यूमेंट स्ट्रॉ होने चाहिए अब आप कहते हैं फायदा वो तो बैकवर्ड कंट्री है वो तो ये है वहां तो कुछ भी नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है जिसके अंदर कुछ नहीं है अगर आपके अंदर कुछ है तो आपके लिए पाकिस्तान भी जन्नत बन सकती है लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कुछ है कि नहीं बहरल उस बहस में नहीं जाएंगे आप आ जाइए इस वीजा इंडेक्स के अंदर यहां पर आप देखते हैं कि जो पुर्तगाल है उसका जो पासपोर्ट है उसकी वीजा फ्री कंट्री की पोजीशन क्या है पुर्तुगाल पासपोर्ट जो है वो रैंक करता है सिक्स वर्ल्ड नंबर में वो रैंक करता है छठे नंबर पे ठीक है 200 मुल्क हैं छठे नंबर पर रैंक करता है द नंबर ऑफ वीजा फ्री डेस्टिनेशन जो एक्सेसिबल है विद पुर्तगाल पासपोर्ट वो है 191 191 मुल्कों में दुनिया में 200 मुल्क हैं और एक मुल्कों में यह आपको एक्सेस कराता है जहां पर अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं और द लिस्ट ऑफ वीजा फ्री कंट्री जो है वो नीचे दी हुई है जो कि बहुत बड़ी लिस्ट है यानी कि आपको मैं क्या बताऊंगा क्या नाम लूंगा आप कोई भी नाम लीजिएगा आपको वीजा रिक्वायर वहां का नहीं होता आपको ये वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या ईटीए ये एक ही बात है फर्क तो फोर्स है वीजा फ्री का मतलब है कि वीजे की बात ही ना करो वीजा ऑन अराइवल का मतलब है आप, आप एयरपोर्ट पर उतर जाइए आपको वहां पर वीजा जारी कर दिया जाएगा कोई इनकार नहीं है और ईटीए जो है ये इतना ही आसान है जिस तरह पाकिस्तान में श्रीलंका है ना ईटीए मिलता है, मिलता है आपको आपके पास एक परमिशन अब अगर मतलब बड़े अजीब अजीब मुल्क सब इनसे वीजा मांगते हैं और वो बहुत कम है तादाद में लेकिन यहां पर अगर मैं नाम कुछ लू आपके सामने तो नाम ले लेता हूं ब्राजील में आप वीजा फ्री जाइए आप चिली के अंदर वीजा फ्री जाइए आप चेक रिपब्लिक के अंदर डेनमार्क के अंदर आप वीजा फ्री जाइए आप फिनलैंड के अंदर फ्रांस के अंदर वीजा फ्री जाइए आप ग्रीस के अंदर वीजा फ्री जाइए आप हंगरी के अंदर हांगकांग के अंदर आयरलैंड के अंदर वीजा फ्री जाइए आप आयरलैंड के अंदर वीजा फ्री जाइए और इस तरीके से अगर आप लेटविया जाएंगे तो भी वीज़ा फ्री होगा अब मैं फौरन नीचे आ रहा हूँ बहुत लंबी लिस्ट है माल्टा वीजा फ्री है ठीक है इस पासपोर्ट के ऊपर मोल वीजा फ्री है इसके ऊपर नीचे जल्दी जल्दी आ रहा हूं यहां पर जो है जो आप सुनना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्म कर देता हूं पानामा वीजा फ्री है फिलिपीन वीजा फ्री है पोलैंड वीजा फ्री है और इसके अलावा रोमानिया वीजा फ्री है साउथ कोरिया वीजा फ्री है इसके अलावा आगे आप नीचे आ रहे हैं स्वीडन स्विट्जरलैंड वीजा फ्री ताइवान वीजा फ्री UAE वीजा फ्री यूनाइटेड किंगडम वीजा फ्री यूरो वीजा फ्री और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कनाडा की और यूएसए की तो वो ई जारी कर देंगे आप कंप्यूटर बैठेंगे ईटी अप्लाई करेंगे आपको एक दो दिन में आ जाता है आप ट्रेवल कर जाएं यूएसए कनाडा यानी कि पासपोर्ट में इतनी जान तो है अब बैकवर्ड है कंट्री शक्ल कैसी है इससे मुझे क्या मतलब है क्योंकि आपको पासपोर्ट कवर करना होता है और फिर जब आप ये दो तीन चार ट्रैवल करने के बाद देखें एजेंटों के पास जाएंगे शर्तें लगाएंगे गारंटियां मांगेंगे तीसरा खर्च करेंगे उससे अच्छा है ना कि आप अपने ऊपर ट्रैवलिंग कर लें थोड़ा सा पैसा खर्च कर लें चार पांच लाख रुपए खर्च करें अपने ऊपर खर्च कर लें चार पांच ट्रैवलिंग कर लें और उसके बाद जो है आप पुर्तगाल चले जाए वहां पर पेपर फाइल कर दें पेपर फाइल करने के बाद दो साल के अंदर अंदर आप मुकम्मल तौर पर आपके पास कार्ड वार्ड सब कुछ होता है आप वैसे उससे पहले भी काम कर रहे होते हैं लेकिन हो जाता है वहां से लेकर तीन साल के बाद यानी कि टोटल पांच साल लगा लीजिए आपको पासपोर्ट इश्यू होता है और पासपोर्ट की शक्ल क्या है आपको मैंने पूरी गिनवा दी है यह है पासपोर्ट पुर्तगाल का तो उसका फायदा है या नहीं मुझे आपने कमेंट करना है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि इसके अंदर आपने काम कैसे करना है आप कहते हैं प्रोसेस कैसे होगा तो प्रोसेस अगर आपको करवाना हो तो हमारा ऑफिस हाजिर है हमारा ऑफिस आपको ए टू जी प्रोसेसिंग ए टू जी प्रोसेसिंग करके देगा लेकिन कोई भी निकली डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं देगा मतलब आप कर... जिस तरह आप लोग कमेंट करते हैं ना कि वो बैंक स्टेटमेंट तो आप बना के देंगे ना तो भाई हम कोई बैंक थोड़ी हैं क्या आपका बैंक स्टेटमेंट कर... हम आपको डॉक्यूमेंट करके देंगे और बिल्कुल ऐसे करके देंगे कि जिसके ऊपर ऐतराज नहीं रख सकता चाहे वो हमारा टिकट हो होटल बुकिंग हो हमारी इंश्योरेंस हो हमारी आ, कोई भी चीज़ आप कह लीजिए ट्रेवल प्लान हो जो कि हम खुद उस पर मेहनत करते हैं काम करते हैं कि हमारा जो भी चीज़ है उसके ऊपर एतराज ना लगे और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपर्ट इन शिंज़न वीजा क्योंकि ये शिंजन वीजा है आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि आप जब शिंजन वीज़ा का पूछते हैं तो पुर्तगाल उसका हिस्सा है पुर्तगाल उसका हिस्सा है आप यहाँ पर आ, काम कर सकते हैं बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है अगर आपको समझ में आए तो तो सिर्फ सैलरी में मत कभी अटकना जिंदगी में सैलरी से आगे भी सोचना कि फायदे और क्या क्या हैं क्या ये फायदे मुझे यू ई दे रहा है या ये फायदा मुझे सऊदी अरब देगा कतर देगा ओमान देगा बहरीन देगा कंपेयर कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर यह आपको बेनिफिट देता है अगली वीडियो मिलते हैं अल्लाह हाफिज़